ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण हाँ तृप्तदीप प्रकरण कौन सा श्लोक नंबर वन सिक्सटी एट ये नहीं हुआ ना हो रहा है होगा हो होगा अच्छा तो बेसन जो होता है कर्म से बेसन होता है बेसन है विपत दोष शोभन बुद्धि राग द्वेष ये सब होता है बेसन बेसन शब्द से लेना है है ना तो कर्म तो ज्ञानी में भी रहता है और अज्ञानी में भी कर्म रहता है तो ज्ञानी को जो कर्म होता है कर्म से तो भोग है भोग होने पर भी व्यसन नहीं होता है ज्ञानी में और अज्ञानी में होता है ठीक है तो और व्यसन का हेतु हो गया ब्रह्म ज्ञान विषय को सत्य समझना जो भ्रम ज्ञान ये कहा ना वन सिक्सटी सेवन में ब्राह्म को बता दिया माँ बिना मां माँ विनाशतु ये भोग का विषय समाप्त ना हो बना रहे एकदम है ना जीवन भर बना रहे और भोग उत्तर उत्तर बढ़ता जाए और भोग के समय विघ्न ना हो तीन हो गया चौथा हो गया मैं धन्य धन्य हो गया है बहुत सुंदर भोग मिल गया मैं तो कृतार्थ हो गया ये हो गया भ्रम इससे क्या होता है भ्रम होने से बेसन होता है है ना आ, संस्कार बढ़ता है राग देश होता है अनुकूल हो तो राग होगा प्रतिकूल हो तो देश होगा इसी का नाम हो गया ठीक है अब कहते हैं प्रसंगात अस्य परिहार उपायम, प्रसंग आया वो बेसन का प्रसंग आया इसका परिहार का उपाय क्या है ना भ्रम ज्ञान के कारण न व्यसन होता है वो इसका परिहार का उपाय क्या है ने? बोलते बोध और ज्ञान का निवर्तक कौन हो गया ज्ञान होगा और विद्या के निवृति का विद्या होगी ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान को बोलते हैं बोध आपको यदि बोध हो जाए तो फिर भ्रम नहीं होगा भ्रम नहीं होगा तो संस्कार नहीं होगा राग देश रूपी संस्कार नहीं होगा कर्म तो होगा प्रारब्ध कर्म तो होगा ये है कि नहीं ये यहाँ पर वन सिक्सटी एट में कह रहे हैं प्रसंगात अस्य परिहारो उपाय कश्य भ्रमस्य अवश्य कहने से भ्रमश्य भ्रम परिहारो उपाय ठीक है <coughs> देखो 168 में कह रहे यद भावे न तद भावे यद भावे न तद भावे भावे च न तदन्यथा अन्यथा भावे च न तदन्यथा अन्यथा इति चिंता विषग्नो यन इति चिंता विषग्नो यन बोधो ब्रह्मानि वर्तकः बोधो ब्रह्मानि वर्तकः हम्म यदा भावि न तदा भावि भावि चन्न तदन्यथा इति चिंता विशोगनः यम बोधो ब्राह्मणिवारता कहा देखो यदा भावि न तद भावि जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा क्या यद अभावि न भावि इति अभावि जो होने योग्य है उसको बोलते हैं भावी और जो होने योग्य नहीं है और है ना जो नहीं होने वाला है तत् तो तो न भावी वो कभी नहीं हो सकता है तुम्हारे जो को तुमको जो जो नहीं मिलने वाला है वो कभी मिलेगा आ, नहीं मिलने वाला है साहब बोल जाएगा अरे हम तो अद्वितीय विद्वान बन जाएंगे हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब बनना नहीं है तो फिर बनोगे कैसे जो संभव नहीं है तुम्हारे कर्म में कभी नहीं हो तो कभी होगा नहीं धर्म यद अभावी न तदभावी समझमाया ये विचार करता है विवेकी विवेकी के चित्त में यही विचार हमेशा में रहता है यद अभावी न तदभावी जो नहीं हो सकता वो कभी होगा ही नहीं ठीक है ना नत ना भावी ये बोलते हैं यहाँ पर सुनते हो आयु समाप्त हो गई आयुष क्षण में कॉपी रत्न सर्वरत्न न आयु से आपके प्रार्भिकों अनुसार जितनी आयु उतनी ही मिलेगी उससे ज़्यादा मिलने वाली है ही नहीं है ना बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी हैं अपने पुत्रों को नहीं बचा पाते कारण क्या है बचना नहीं तो बचेगा कहाँ से <laughs> यद अभावी न तदभावी अरे जो होना है वो तो होगा ही होगा ये बोलता है इसलिए पीछे नहीं भागता है भोग के पीछे कर्म जरूर करेगा कर्तव्य दृष्टि से कर्म तो जरूर करेगा लेकिन इसके चित्त में ये नहीं होता है जो असंभव ही संभव हो जाएगा ऐसा नहीं भावी चेत जो होना है तत् न अन्यथा वो अन्य प्रकार से नहीं होगा वो तो होगा ही होगा वो तो होगा ही होगा ठीक है ना ये बोलते हैं भाभीचेद न तथ अन्यथा तत अन्यथा अन्य न मतलब वो नहीं हो पाएगा ऐसी बात नहीं वो तो होगा ही होगा ऐसा बोलते हैं ठीक है बहुत लोग होते हैं बहुत महापुरुष होते हैं वो सोचते हैं कि मैं इतना भक्त बनाऊं पहले महात्मा की बात सोच लो <laughs> मैं इतने भक्त बनाऊँ तो बुढ़ापे में काम में आएंगे मेरी सेवा करेंगे कोई सेवा नहीं करता है तुम्हारे भाग्य में सेवा नहीं है ना कोई सेवा नहीं करेगा सुनते हो बहुत लोग ऐसे बताते धन संग्रह करते हैं इतना संग्रह करते हैं ये करते हैं ये करते हैं लेकिन अंत तो में कुछ काम में नहीं आता तो होना ही नहीं तो होगा कहाँ से लेकिन ऐसे महापुरुष होते हैं जिसके कोई भक्त नहीं है कोई चला नहीं है लेकिन वृद्धावस्था में आकर के सेवा करते लोग जो शिष्य थे वो सेवा नहीं किए और जो शिष्य नहीं है वो आग्रह सेवा करता है क्या बोलोगे उसको हमने देखा है ऐसे ये तो भ्रांति है कि ये लोग मेरी सेवा करेंगे ये तुम्हारी भ्रांति है तुम्हारा में सेवा नहीं है तो तुम्हारी कोई सेवा नहीं करेगा आगे समझ में है ना बहुत लोगों के पास धन है अभी देखो कोरोना हुआ कि नहीं हुआ धन तो बैंक में है किस काम का है <laughs> किसी काम का है, काम का <laughs> है? सब नौकरों में आश्रित रहते थे बहुत लोग रहते हैं और कोरोना में सारे नौकर भाग गए अपने अपने घर में चले गए तो कौन किया दुख को उठना उठाना है तो दुख मिलना है तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा दुख तो मिलेगा ही मिलेगा ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कोरोना ही सबको दिखा दिया सब <laughs> तो है, है तो 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 जाटेगा <laughs> किस से प्रारब्ध से जो होना है वो तो होगा ही होगा यही तो कह रहे यहाँ पर चाहे वो कितना भी हाँ हाँ ये कह रहे यहाँ पर वो मिलना था ना वो मिलना था इसलिए मुंह में मिल गया वही तो कह रहा हूं आपको ये भी मिलना था इसलिए मिल गया इसलिए कह रहे हैं यद अभावी ना तदभावी जो नहीं हो सकता वो है ना वो कभी नहीं होगा और जो होना है वो तो होगा ही ये मंत्र है देखो क्या है ये ये मंत्र है सुनते ना भाई भावी चेत नाता तद अन्य था है कि नहीं ऐसा बोलते हैं लग गया इति चिंता ये देखो ये बीश बीश। ये चिंता ही बीस क्या ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए ये सोच रहे हो ना चिंता ये चिंता ही क्या है जहर है जहर कैसे हाँ आगे की जो चिंता करता है ना वही हो गया जहर विष है तो क्या प्रारब्ध से अगर हो जाएगा तो क्या प्रारब्ध से अलग हो जाएगा जो होना है हाँ, जो कुछ हो रहा है उसको प्रारब्ध ही मानेंगे तो, तो हाँ, जो कर्म का कर्म करने का तो जरूरत ही नहीं क्या जरूरत नहीं है जो कुछ करने का जो हो रहा है मतलब अरे हाँ, उसी का उपयोग कैसे करना हो तो पुरुषार्थ है यही तो मैं कह रहा हूँ तुमको कि धन तुमको प्राप्त हुआ ये ये तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध से हुआ इसका उपयोग कैसे करना, करना है ये पुरुषार्थ है ये प्रारब्ध नहीं है एक क्रियामाण कर्म को कैसे करना है ये पुरुषार्थ होता है पुरुषार्थ प्रारब्ध से नहीं वर्तमान में जो प्रारब्ध से तुमको हो रहा है इसको कैसे उपयोग करना है ये क्या है ये पुरुषार्थ होता है ये यहाँ पर है ना बात समझे नहीं हाँ मनुष्य कर सकता है पुरुषार्थ प्रारब्ध तो सबका है चाहे मनुष्य हो पशु हो कोई भी हो लेकिन पुरुषार्थ के लिए मनुष्य शरीर है मनुष्य पुरुषार्थ करता है ठीक है ना यही तो पुरुषार्थ देखो चिंता नहीं करना ही पुरुषार्थ है <laughs> ऐसा विचार करना ही पुरुषार्थ है प्रारब्ध से जो होना वो तो होगा ही है कि नहीं ये तुम कर सकते हो ना चिंता तो छोड़ सकते हो एक है यहाँ पर इति चिंता विषाह चिंता क्या है विष है ये जहर कि वृद्धावस्था में क्या होगा अरे जो होगा होगा उसमें क्या है है ना ये इस रूपी विष को नष्ट करता है कौन बोध लिखे यहाँ पर चिंता विषघ्ना अयम बोध ये तुम्हारा बोध बोध क्या हो गया यही बोध है जो नहीं होना है वो तो होगा ही नहीं ठीक है ना और जो होना है वो तो होगा ही जो होना है वो तो होगा ही सुनते हो आयाम बोध इस प्रकार अभ्यास करोगे तो तुमको बोध हो जाएगा ये बोध यदि हो जाए ना भ्रमा निवर्तक वो भ्रम नहीं रहेगा भ्रम को दूर कर लेता है क्या भ्रम कर ले दूसरे के ऊपर दोष आरोपण करता है अरे मैं तो चुपचाप बढ़ा था वो मुझे आकर ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया कि तुमने कोई पाप नहीं किया तो कैसे कर देगा सामने वाला व्यक्ति वो झट से करता है भाई होना था क्या होना था। मैंने कभी पाप किया हो <laughs> मैंने कभी पाप किया हो इसलिए मुझे जो है वो दुख मिल रहा है दूसरे का वो दूसरा पढ़ क्यों करेगा यही साधन है सबसे बड़ा ये बोध एगे साधन एक कि नहीं ये बोध न हो रहा है पुरुषार्थ कर नहीं सकता है है ना वेदांत का श्रवण आदि वो कर नहीं सकता है वो है ना ये अशांत से कुतो सुखम अशांत व्यक्ति क्यों होता है भ्रम से ही व्यक्ति अशांत होता है अपने किए हुए कर्म को याद नहीं रखता है भूल जाता अपने कर्म को आश्रम है हाँ ऐसा है पुण्य हो तो सुख तो होना ही है और पाप हो तो दुख तो आगे होगा ही होगा भ्रमा निवर्तक ये बोध हो गया भ्रम का निवर्तक ठीक है ना हाँ भ्रम यदि नहीं होगा तो भोग से व्यसन बनेगा नहीं होता रागद्वेश विषय के प्रति बनता नहीं है है ना चाहे अनुकूल मिल जाए चाहे प्रतिकूल मिल जाए रागद्वेश नहीं होता है रागद्वेश का हेतु हो गया भ्रम समझ में चलो टीका देखो यदि भवित्यम अयोग्यम तन्ना भवेत एव है ना जो होने में योग्य नहीं है तद ना भवेत वो बनेगा जो हो ही नहीं सकता होगा क्या लेकिन वो ऐसे ही लोग संकल्प कर लेते हैं ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए कैसे होगा होना नहीं है तो होगा कैसे और क्या ठीक है भवितुम योग्यम चेत यदि होना है तथ अन्यथा न भवे वो कभी नहीं हो सकता अन्य प्रकार से है ना होना है तो होगा ही इतम रूप चिंता विषघ्न ये हो गया बोध देखो ये चिंता रूपी बीष को क्या करता है काट देता ही। चिन्ता ये चिंता रूपी विष को ये काट देता है कौन काट देता है ज्ञान बोध ठीक है ना देखो आगे लिखते हैं कैसे काटता है इदम में श्रेय कदा भविष्य इदम अनिष्टम कदा निविरत निवर्त्यते आदि चिंता एवं विषम देखो चिंता रूपी विष का है ना चिंता ही विष है ये क्या बोल रहे हैं महापुरुष स्वामी भारतीदित्य मार्ग कह रहे हैं ये साधक हैं ये जो अज्ञानी है ना चिंता लग चिंता करने में लगा रहता है वृद्धावस्था में ज़्यादा चिंता होती है कौन सी चिंता है देखो इदम में श्रेय कदा वैसे ये मेरे लिए श्रेय कैसे होगा है ना मेरे लिए श्रेय कैसे होगा है आए ना ऐसा बोल रहे ईदम अनिष्टम कदा निवर्त मेरे लिए अनिष्ट जो वर्तमान में है ये अनिष्ट कैसे जाएगा श्रेय मुझे कैसे मिल जाए और यदि श्रेय नहीं है तो क्या है अनिष्ट है प्रेय है मतलब अनिष्ट कैसे जाएगा इष्ट मुझे कैसे मिल जाए और अनिष्ट कैसे चला जाए इसी में लगा रहता हो कि नहीं मेरे पास हमेशा अनुकूल अनुकूल आता रहेगा कभी होगा संभव पाप यदि फल देगा तो तुमको अनुकूल मिलेगा कि प्रतिकूल मिलेगा बोले नहीं मुझे तो अनुकूल चाहिए हमेशा बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए मैं सुंदर नौकर चाहिए बना अच्छा नौकर हो ऊट बोलने से उठेगा बैठ बोलने से बैठेगा है ना ऐसी पत्नी चाहिए ऐसे पति चाहिए हाँ अच्छा। लेकिन जब मिलना नहीं तो मिलेगा कहाँ से सुनते कि नहीं? नहीं क्या हमेशा कोटु शब्द हमेशा कोटु शब्द बोल रहे हो है ना जो भी आया मुंह में बोल देते हो बोलने में तो अच्छा लगता है हाँ ये कटु शब्द बोल करके तुम जो पाप किए हो ऐसा समय आएगा जहाँ जाओगे तुमको कटु शब्द बोलने वाले मिलेंगे अगर पत्नी भी आएगी वो भी कटु शब्द बोलेगी पति मिलेगा वो भी कटु शब्द बोलेगा और बच्चे लोग होंगे वो भी कर्कश बोलने वाले नौकर मिलेगा वो भी ही <laughs> ऐसे ही मिलेगा ऐसा जै ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पर लेकिन व्यक्ति क्या सोचता है मेरे लिए तो हमेशा श्रेय मिल जाएंगे और अनिष्ट यदि है तो ये चला जाएंगे चले जाएंगे इसी में लगा रहता है इतवम आदि चिंता एव विषम है देखो क्या लिखते हैं चिंता ही जहर है चिंता ही जहर जहर क्या है जहर की तरह जहर विषम इव विषम इव विषम ये तात्पर्य विषम इव आगे विषम भी है क्या है चिंता एव विषम एवं वो तो है इब, के बाद विषम तो विषम एव विषम है ना हाँ। ये विष क्या करता है जैसे स्व संश्ट पुरुष से नाश हेतु है स्व स्वश्रिष्ट स्व मतलब विष विष से है विष जिसने खा लिया हो गया विष संश्रिष्ट संश्रिष्ट मतलब संबद्ध जिसके मुंह में विष चला गया ऐसा जो पुरुष है उस पुरुष को नष्ट करेगा कि नहीं विषय नाश का हेतु हो गया कौन जहर हो गया ऐसे समझ में इसी बगैर साधक रूपी पुरुष को है? कौन खा जाता है मालूम है चिंता चिंता, चिंता। महापुर तो साधन तो बता दिए बेटा कुछ नहीं करना तुम जो होगा होगा प्रारब्ध में उसकी बात छोड़ो तुम तुमको जो मैं साधन बता रहा हूँ इस साधन में लगे रहो व्यक्ति साधन में क्यों नहीं लगा रहता है वो गुरु की बात को भूल जाता है ना गुरु की बात क्या है प्रारब्ध में जो है वो तो, तो होगा ही तुम्हारा उसकी चिंता ना करो उसको भूल जाता है और इसकी इसी इसी चिंता में लगा रहता है वो क्या आगे मेरा क्या होगा अनुकूल हमेशा बना रहे प्रतिकूल कभी ना आवे प्रतिकूल आवे तो चला जावे वो तो जीवन में तो आना ही आना है ये कहना का मतलब अनुकूल प्रतिकूल तो आना ही आना है उसको नहीं सोचना ये बोल रहे हैं हम पर उसको ये सोचोगे चिंता करोगे तो तुमको जो साधन बताया गया है ना आसुप्ते रामते कालन चाहे ज्ञान का अभ्यास हो चाहे भक्ति का अभ्यास हो भक्ति किसी भी मार्ग में हो सभी मार्ग में ये चिंता ही विष है ये बोल रहे हैं यहाँ पर ना भगवान की वो भक्ति कर सकता है ना फिर ज्ञान का अभ्यास कर सकता हो सभी मार्ग में ये चिंता ही विष है आया समझ में ये बोलते हैं यहाँ पर ठीक है ना विषम इदम चिंता विषम हंति ये हो गया विष बराबर है यदि चिंता विषम हंति लेकिन बोध क्या करेगा ये बोध जो ज्ञान है इसको नष्ट कर देगा चिंता रूपी को नष्ट कर देगा इसलिए बोध को कह दिया चिंता विसघन चिंता विषम हांति चिंता विसघन ठीक है एवं भूतो यो बोध इस प्रकार का जो बोध है ये बोध ही भ्रम को दूर करता है सोयम भ्रम कहा कौन सा भ्रम है मत मालूम है वन सिक्सटी सेवन में जो भ्रम कहा ऐसे भ्रम कोई बोध ही दूर करता है ठीक है पूर्वोक्त भ्रमश निवर्तक पूर्वोक्त भ्रम कौन वन सिक्सटी सेवन में जो भ्रम कहा उसी भ्रम का निवर्तक निवारक कौन हो गया यही बोध ज्ञान ठीक है बड़ा सुंदर भिक हाँ भाई बोलो तो अंतर नहीं है एक ही है अंतर नहीं है एक ही है है ना भाई चलो इसलिए पंचोदशी में तो सब बता दिया पंचोदशी गंध में कुछ भी नहीं छोड़ा अब अंतरस क्या बोलते हैं जो है मुख्य साधन भी बता दिया अवांतर साधन भी बता दिया अंतरंग साधन बहिरंग साधन कुछ भी नहीं छोड़ा सब बता दिया पंचोदशी ने और साधक के जीवन में क्या प्रतिबंधक आता है वो भी सब बता दिए मैं समझता हूँ इतना बढ़िया ग्रंथ वेदांत में को और कोई नहीं है बहुत सुंदर वन सिक्सटी नाइन देखो <coughs> नानो आगे से लोग विद्वद विधवध अविदुषो देखो ये हुआ विद्वान एक हो गया अविद्वान ठीक है ना आ, दोनों में उभयो रूपी भोगित्वा विशेष एकस् व्यसनम देखो दोनों का तो प्रारब्ध है ज्ञानी का ही प्रारब्ध है अज्ञानी का ही प्रारब्ध है अब प्रारब्ध के अनुसार भोग तो दोनों को हो रहा है नॉन निधो है ना हाँ जब करना लगाओ तो भोगित्व और विशेष से भोग तो दोनों को हो रहा है समान है एकस्य से व्यसनम एक को व्यसन हो रहा है भोग से व्यसन मतलब क्या संस्कार पड़ रहा है विषय के प्रति है किसको संस्कार पड़ रहा है अविद्वान अज्ञानी को और ज्ञानी को क्या विषय का भोग होने पर भी उनको संस्कार नहीं पड़ता है इसलिए नहीं होता है ऐसा बताया ना अपर से तो तन्ना अपर कौन हो गया अविद्वान अविद्वान को क्या नहीं होता है तन्ना करने से तत् से क्या लेंगे बेसनम तत् ना मतलब बेसनम ना दोनों को भोग होने पर भी ज्ञानी में बेसन नहीं होता है और अज्ञानी में बेसन होता है कुत मतलब किस हेतु से कह रहे हो क्यों ऐसा कुत मतलब क्यों किस हेतु से कह रहे हो इतिहास देखो विपरीत ज्ञान सत्वाभ्याम तसिद्धि अरे एक को विपरीत ज्ञान है एक को विपरीत ज्ञान नहीं है विपरीत ज्ञान बोलते हैं भ्रम ज्ञान Brahma Brahma. को विपरीत ज्ञान भ्रम ज्ञान ठीक है अज्ञानी को भ्रम ज्ञान है अज्ञानी को भ्रम ज्ञान नहीं है जहाँ पर व्यसन हो रहा है तो समझ लो कि वहां पर विपरीत ज्ञान है मतलब क्या होगा यत्र यत्र व्यसनम तत्र तत्र विपरीत ज्ञानम हो गया ना और यत्र विपरीत ज्ञानम नास्ति तत्र व्यसनम अपि नास्ति इसलिए व्यसन का है तो कौन बन गया विपरीत ज्ञान मतलब जहाँ पर विषय का भोग करते हैं विषय का भोग तो दोनों को हो रहा है वहाँ पर यदि आपके चित्त में व्यसन हो रहा है तो समझ लो कि हमको विपरीत ज्ञान है पकड़ माया क्या इसमें लड्डू खाते हो लड्डू खाने खाते खाते समय यदि लड्डू के प्रति आपका क्या हो रहा है आपकी आसक्ति हो रही है आसक्ति रूपी संस्कार और बढ़ रहा है शोभन बुद्धि और हो रही है समझ लो कि विपरीत ज्ञान पड़ा है यही यहाँ पर कह रहे हैं ठीक है, है ना और खाते समय यदि बेसन नहीं हो रहा है है ना तो विपरीत ज्ञान नहीं है कि नहीं आया ऐसा बोल रहे ठीक है।, है बहुत विचार करना पड़ता है मतलब ये जो हमको विषय प्राप्त हो रहा है ना ये प्रारब्ध से हुआ चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल पहले तो ये झट से बुद्धि में आना चाहिए कि प्रारब्ध से मिला ये इतना आया कि नहीं अरे ये प्रारब्ध से, से ज्यादा किसको मिलेगा प्रारब्ध न हो तो मिल जाए ऐसे कैसे होगा प्रारब्ध अनुसार ही प्राप्त होता है पहले तो बुद्धि में ही आना चाहिए कि जो प्राप्त हुआ प्रारब्ध से प्राप्त हुआ लेकिन कहाँ बुद्धि में आती है बताओ <laughs> क्या भूल जाते हैं सब कर्मों को पहले बुद्धि में आनी चाहिए कि ये प्रारब्ध से प्राप्त है इतना भी समझ लेगा ना कोई हाँ तो फिर किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करेगा <laughs> लेकिन भूल जाता है व्यक्ति ठीक है चलो ये हो जाएगा श्लोक देखो सामेपि भोगे बेशनम सामेपि भोगे बेशनम भ्रांतो गच्छेन न बुद्धवान भ्रांतो गच्छेन न बुद्धवान और शक्यार्थस्य संकल्पात और संकल्पात भ्रांतस्य व्यसनं बहु भ्रांतस्य व्यसनं बहु समेति भोगे व्यसनं भ्रांतो गच्छे न बुद्धभान अशक्यार्थ स संकल्पात भ्रांतस्य व्यसनं बहु देखो बोलते हैं समेपि भोगे भोक्त तो दोनों को प्राप्त हो रहा है चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो उनका जो भोग है प्रारब्ध से हो रहा है ठीक है उसको मिलना ही मिल रहा है लेकिन क्या बोलते हैं भ्रांत व्यसनम गच्छे, गच्छ मतलब क्या प्राप्नोति, होती प्राप्त भ्रांत पुरुष व्यसन को प्राप्त करता है यहाँ पर गच्छत में गम धातु तो प्राप्ति अर्थ में बोले व्यसन को प्राप्त करता है नहीं, राग द्वेश को प्राप्त करता है कौन करेगा गच्छेद का करता कौन भ्रांत है भ्रांत पुरुष भ्रांत अज्ञानी हो गया ना बुद्धवान न बुद्धवान कहने से विचारवान पुरुष है मतलब बुद्धवान का अर्थ है ज्ञानवान टीका में देंगे ना बुद्धवान ज्ञानवान ज्ञानी त्यर्थ ठीक है ना उस प्रकार का बोध जिसको हुआ किस प्रकार का बोध सिक्सटी एट में जो बताया जो नहीं होगा वो होगा ही नहीं जो होगा तो होगा ही होगा <laughs> यही यहाँ पर ज्ञानी शब्द से ले रहे हैं पकड़माया इसलिए कह है कि देखो भ्रांत पुरुष क्या करता है उनको और ज़्यादा व्यसन बढ़ता है जितना है ना जैसे घी अग्नि में जितना घी डालोगे क्या उतनी ही अग्नि बढ़ती रहती ये अज्ञानियों का है ना ये संकल्प ऐसे ही करता है देखो असक्यार्थ से संकल्प जो संभव नहीं हुआ है ना उसी का भी संकल्प करता है भ्रांत पुरुष है कि नहीं अशक्य अर्थ से जो अर्थ संभव है ही नहीं उसी का ही संकल्प करता है अरे संकल्प उसी का करो ना जीते जी हम मुक्त हो जाए इसी शरीर में ही हमारा कल्याण हो जाए यही संकल्प नहीं करता है <laughs> के नहीं जो हमारे कर्मों में नहीं वो भी प्राप्त हो जाए हमको यही सोचता ही है ये यही सोच रहे कि नहीं सो रहे हाँ जीवन में तो सुखी सुखी मिले हमको कोई दुख आवे नहीं ये कैसे होगा बोलो संभव है इसे संभव ही नहीं।, नहीं लेकिन सब लोग इसी में ही लगे हैं सब लोग इसी में ही संभव ही नहीं है ये संभव ही नहीं है ये बोलते हैं अशक्यार्थस्य संकल्पात भ्रांत से व्यसनम बहु ये भ्रांत पुरुष को व्यसन जो है ना और बढ़ता है व्यसन दोनों लेना है राग भी और द्वेष भी दोनों ले लीजिए ठीक है ना बुद्धवान ज्ञानवान ज्यान इत्यर्थ बुद्धवान का अर्थ भ्रांत है कथम व्यसन है तो तम भ्रांत भ्रांति से व्यसन भ्रांति व्यसन का हेतु क्यों है तो क्या उत्तर दिया संकल्प करता नहीं संकल्प ही सारा का सारा जड़ है भाई क्या संकल्प जड़ है हाँ देखो क्या लिखते हैं भाई भाव ये, ये स्वामी भाती हमारे संकल्पात ये संकल्प जो करते हो ना एक मोक्ष के अलावा कोई भी संकल्प करते हो क्या हाँ। आत्मज्ञान आत्मज्ञान से मोक्ष इसके अलावा यदि कोई संकल्प करते हो तो समझ लो कि सब भ्रांति है बात समझ कि नहीं बाकी जितने भी संकल्प सब बंधन का हेतु है बाकी जितने भी संकल्प बंधन का हेतु है एक ही संकल्प है सुनते हो ना ऐसा है चलो इसलिए जो निष्काम भाव से जो करते हैं ना वो है भी विरोध नहीं हुआ चित्त शुद्धि के लिए संकल्प करते हो क्या हाँ चित्त शुद्धि से क्या होगी आपको आत्मज्ञान होगा वो तो बंधन नहीं है बाकी जितने भी होते सब बंधन होते में कि नहीं हाँ साधक भी संकल्प करता है नहीं करता है क्या हमारे गुरुज स्वस्थ हो जाएंगे हो जाएं क्यों करते हो क्यों करते हो स्वस्थ हाँ क्यों बंधन नहीं उसका हमारा कल्याण होगा हमारा कल्याण हो कल्याण के लिए है तो तुम भक्ताराम अव तुम बक्ताराम संकल्प नहीं है क्या ये बोलो भगवान से प्रार्थना करते हो कि हमारे गुरु ये स्वस्थ हो जाएंगे तो संकल्प नहीं है ये क्या भगवान से प्रार्थना करते हो ये भी तो संकल्प हुआ है ना <laughs> वो बंधन का हेतु है नहीं है वो, वो। ऐसे होता है चलो है, वो भी है, तो है किस नहीं वो बंधन का हेतु नहीं है हाँ लेकिन हमारे गुरु स्वस्थ हो तो उसके निमित्त से हमको बहुत अच्छा मान सम्मान मिलेगा हाँ वो तो तुम्हारा वो दूसरे उद्देश्य अलग है बहुत लोग इसी में लगे रहते हैं किसी को निमित्त बना देते हैं किसी महापुरुष को अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं है न हाँ सुजाता जी सब समझ रही है <laughs> सुनने <सुंद्रेदु>। तो <laughs> बहुत जगह पर ये होता है हमारे महापुरुष हमेशा स्वस्थ रहेंगे ये नहीं बोल रहे कि स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा है कि नहीं वो तो बंधन है <laughs> आत्मज्ञान के लिए स्वास्थ्य की कामना करते हो तब तो कोई बंधन नहीं है ठीक है ना चलो एक सौ सत्तर है हाँ जी कहाँ कह रहे हो हाँ ठीक है हाँ अच्छा 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 ओ कहीं आ, ये क्या बोलते हैं मनिन होता ना कहीं 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 मनिन प्रत्यय होता है एक मोतु प्रत्यय एक मनिन प्रत्यय होता है ऐसा है, है? हाँ हाँ ऐसा होता है। चलो अच्छा भाई आगे श्लोक पढ़ते हैं एक सौ सत्तर देखो विवेक ना ये तो हो गया ना विवेकिन तद अभाव दर्शे विवेकी को में ऐसा नहीं होता है विवेकी में हाँ व्यसन नहीं होता है सुनते हो भाई ऐसा बोलते हैं संकल्प नहीं होता है विवेकी में इस प्रकार संकल्प नहीं होता है तत्कालिक तो संकल्प भ्रांति पुरुष तो भ्रांत पुरुष तो संकल्प बहुत करता है और विवेकी इस प्रकार का संकल्प नहीं करता है ठीक है आ, ऐसा है ये संकल्प तो सारी चिंताओं का जड़ और क्या है संकल्प छोड़ दो कोई चिंता नहीं विवेकिनस्तद् अभावं दर्शयति मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वास्थापसंहरन् बुद्धास्तामुपसंहरन् बुद्ध्वास्थामुपसंहरन् बुद्ध्वास्तामुपसंहरन्

माया ये सब माया और क्या है भोग का विषय सत्य है कि मिथ्या है मिथ्या है सारा माइक पदार्थ है मायक पदार्थ के बीच ही सब भाग रहे हैं ये ज्ञानी विचार करता है <laughs> इसलिए माया मयत्तम भोगस्य माया का ही खेल सारा का सारा भोग हो रहा है ऐसा वो जानता केवल बोलता नहीं वो जानता भी है निश्चय उनको बुद्धवा तो प्रत्यय बुधा ज्ञान है है ना बुध है ना बुधा और है ना मतलब ज्ञान अर्थ में बुद्धा तो होता है बुद्धवा मतलब ऐसा निश्चय करके सारा सारा का जो भोग का विषय हो रहा है ये तो माई के पदार्थ सपना की तरह है सपने की तरह है ना न कैसा भी दिखे आ सकते नहीं होती है ना राग होगा ना दे जहाँ पर राग देश हो रहा है तो वहाँ पर सत्यत्व बुद्धि है मिथ्यात्व बुद्ध पर रागद्वेश नहीं होता है ना ये समझ के रख लो आगे देखो क्या है इसलिए कहते हैं आस्थां उपसंगरम आस्था नहीं होती है देखो समझ में है ना इसमें अगर मिथ्यात् बुद्धि हो जाने पर भोग के विषय में आस्थां उपसंगरम आस्था नहीं रहती उसके प्रति क्या आस्था मतलब श्रद्धा भरोसा अरे वस्तु को सत्य समझोगे तो वस्तु के प्रति आपकी भरोसा रहेगी वस्तु यदि मिथ्या है कौन से भरोसा रहेगी अरे नकली नोट का बंडल दिख लिया क्या नकली नोट हो जादू का नोट है आपको जान लिया तो पैसे के प्रति कौन सा भरोसा रहेगी रहेगी आपकी बोलो नहीं रहती है ना चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो हाँ जी बोलिए सत्य संकल्प सत्य संकल्प तो भगवान का होता है सत्य संकल्प ज्ञानी तो के ज्ञानी में क्यों सत्य संकल्प नहीं होता, होता है ज्ञानी में, में भी होता है सत्य संकल्प हाँ जो हाँ है ना भगवान परमात्मा सत्य संकल्प है उसकी जो उपासना करेगा ना तो ज्ञानी में भी सत्य संकल्प आता है क्योंकि भगवान का गुण तो हाँ भगवान का जो गुण है ना उपास्य का गुण तो उपासक में आता है हाँ होता है सत्य संकल्प परमात्मा है उस प्रकार से जो किया उपासना वो है ना तो उस प्रकार धर्म भी उपासक में आता है है ना आ, योगी में भी आता है योगी में भी आता है है ना इसलिए जो सत्य जो है ना शब्द के जो उपासना करता है हाँ उनकी बाणी भी क्या होता है कैसे हो जाती है बाणी 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 अमोघ होती है हाँ बाणी अमोघ होती है ना इसमें का संकल्प ही अमोघ हो जाता है दो शब्द आया सत्य संकल्प सत्य काम हाँ इसे तो, दोनों चीज योगियों में आ जाता है हाँ आ जाता है आ जाता है भैया योगी में आ जाता है हाँ ऐसा है जो सूत्र में भी विचार है जो सूत्र में भी विचार है लेकिन ऐसा नहीं कि जो है हाँ सुनो ऐसा नहीं कि जो है असंभव को भी संभव कर देगा ऐसा नहीं क्योंकि ईश्वर की जो सृष्टि ना ईश्वर के संकल्प से उससे विरुद्ध संकल्प योगी नहीं करता है यद्य समर्थ है बात समझे कि नहीं इसलिए उनसे विरुद्ध संकल्प नहीं करते क्योंकि योगी का ये संकल्प होता है वो भी ईश्वर के संकल्प से एक हो जाता है कैसे ईश्वर हाँ इसलिए जोगी भी समर्थ है लेकिन ईश्वर के संकल्प से जोगी का संकल्प एक होकर काम करता है इसलिए विरुद्ध ईश्वर के संकल्प से विरुद्ध नहीं होता है आ गया ये सब योग सूत्र में बड़ा सुंदर विचार है चलो तो ये तो विवेक का विचार है ना तो सारा का सारा भोग का विषय माइक है मिथ्या है दिखता है मतलब है नहीं सत्य ये तात्पर्य है ऐसे ही आपको निश्चय हो गया तो विषय के प्रति आस्था नहीं रहती ये बोल रहे हैं यहाँ पर आस्था उपसंगरम आस्था का श्रद्धा भरोसा ठीक है ना भाई भरोसा को छोड़ते हुए उपसंगरण है ना भुंजानोपी न संकल्पम करुते प्रारब्धिक अनुसार भोग तो बन रहा है भोग नहीं होगा ऐसी बात नहीं उसको तो काट नहीं सकता है भुंजानों पर भी, विषय का भोग करते हुए भी संकल्पम ना करुते वो संकल्प कहाँ से करेगा वो क्या न संकल्पम करुते इस विषय से हमको आगे ये मिल जाएगा ये मिल जाएगा ऐसा संकल्प करेगा क्या ऐसे संकल्प नहीं करता है इससे हमको क्या है सुख मिलेगा ऐसा संकल्प नहीं कहा हाँ किसी को आशीर्वाद तो दे देगा आ, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद दे देगा हाँ अपने को जो विषय मिल रहा है वो विषय से हमको भोग होगा आगे क्या हमको शुभ मिलेगा ऐसे संकल्प वो नहीं करता ये बोलते हैं हम ठीक है भुंजानों पर न संकल्पम करुते व्यसन हमकुता अरे विषय के प्रति संकल्प नहीं करता है तो विषय से हमको विषय का व्यसन कहाँ से होगा रागदेश कहाँ से होगा संकल्प जिस ज्ञानी में नहीं हो रहा है विषय को लेकर के तो विषय के प्रति क्या दोष होगा उनका विषय प्राप्त होने पर भी विषय के प्रति उनका संगीव राग द्वेश वैसा नहीं होता ये बोलते हैं यहां पर ठीक है बड़ा सुंदर है सेवेंटी वन नो माया मयत्व बुधे सत्य अपी देखो भाई माया मयत्व तो बोध उनको ज्ञान कैसा हुआ सारा भोग का विषय है माई का है ये माया का खेल है माइक पदार्थ है ऐसा बोधे सत्य ऐसा बोध होने पर भी भोगस्त तदानिंद न सुख तत्व लेकिन जिसमें भोग कर रहा है खा रहा है लड्डू उसमें तो भोग हो रहा है ना बड़ा सुख मिल रहा है <laughs> पूरे पक्षी कह रहे हैं आगे के बाद छोड़ो जिस समय खा रहा है भोग कर रहा है लड्डू ज्ञानी कि नहीं तदातना सुख तो उस समय जो भोग है वो सुख का हेतु तो बन रहा है सुख तो मिल रहा है है कि नहीं कु आस्था उपसंहार उसके प्रति आस्था क्यों नहीं रहेगी भाई आस्था तो होनी चाहिए श्रद्धा तो होनी चाहिए भरोसा तो होना चाहिए किसके ऊपर विषय के ऊपर है ना आप कहते विषय के ऊपर उनकी आस्था नहीं रहती ये कैसे कह रही आशंका करके अरे भाई बहुविधा दोष दर्शना अनेक प्रकार का दोष दर्शन हो रहा है विषय को वो बोलेगा नहीं क्या ज्ञानी बोलेगा नहीं अरे सब कुछ मिथ्य है सुंदर भोजन बना रहे है स्वामी जी कैसा बना है तो क्या बोलेगा अरे सब मित बोलेगा क्या क्या बोलो हाँ ये विषय सब जो है व्याधि का दोष हेतु है, है बंधन का हेतु है, है ये बोलेगा स्वामी पा, जी स्वामी जी पागल हो गए उसको मेडिकल में ले जाओ बोलेंगे हैं बोलेगा नहीं वो लेकिन ज्ञानी ही <laughs> और उल्टा ही बोलना पड़ता हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है बहुत सुंदर बना और लोग पूछते ना अरे कोई कोई यहाँ पर पूछते हैं ना भोजन तो पहुंचाते हैं ना भोजन पहुंचाएंगे अगले दिन पूछेंगे स्वामी जी कैसे बनाता केवल अप, केवल अपने को नहीं पूछते हैं और फिर कोठारी जी को पूछेंगे स्वामी जी खाए कि नहीं खाए समझ में ना वो भंडारी से भी पूछेंगे खाए कि नहीं खाए सब से पूछते हैं अब क्या बोला अरे सब मिथ्या बोलोगे क्या पाठ में भले ही मिथ्या बोलो

उपासना है वहाँ पर <ghyाँ> ज्ञान का प्रसंग नहीं वहाँ पर उपासना का प्रसंग है सब कुछ अभी में ब्रह्म के दृष्टि से उपासना वहाँ पर क्या है यहाँ पर हाँ सब कुछ ब्रह्म रूप है वासुदेव सर्वम उसी वहाँ पर है सब कुछ ब्रह्म रूप है इस दृष्टि से उपासना करोगे इस से उपासना करेंगे तो फिर रागदेश कहाँ से होगा रागदेश नहीं होता ठीक है चलो भाई तो कहते हैं बहुविधा दोष दर्शन अनेक प्रकार का दोष दर्शन होता है ज्ञानी को ये निश्चय है दर्शन बोल दिया ना है न दर्शन उनको क्या निश्चय है विषय में विषय में क्या निश्चय है मिथ्यात्व अनित्यत्व बात समझ में ना ठीक है ये सब दोष है वह कहां पर विषय में विषय में दोष तो है ही और क्या है आपको दिखे या ना दिखे दोस्त तो होता है ज्ञानी को दिखता है दोस्त सुनते कि नहीं ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर है ना जैसे लड्डू में हाँ लड्डू में क्या है जैसे लड्डू के बाद छोड़ दीजिए कोई भी भोजन मान लो मिष्ठाना भी ले लो हाँ मिष्ठाना में हाँ मिष्ठाना में आपको ज्ञान होगा डॉक्टर बता दिया आपको क्या बता दिया मिष्ठान्न खाओगे तो बस तो वेरे डायबिटीज और बढ़ेगी ये निश्चय हो गया ना उनको तो निश्चय हो गया तो उनको दोष नहीं दिखेगा साक्षात मृत्यु दिखाई देगी उनमें विषमें मिष्ठान दिखे देगी नहीं दिखेगी इस वगैरह विषय में भी ऐसे दोष दिखाई देता है ग्रहण तो करेगा उसमें निश्चय उनको एक तो ये सब प्रार्द से प्राप्त तो हो रहा है सबसे पहला निश्चय हाँ और ज्ञान का अभ्यास करते करते उसमें मिथ्यात्व का बोध भी है क्या मिथ्यात्व का बोध हो जाने से भोग करने पर भी ज्ञानी को आसक्ति नहीं होती है द्वेष नहीं होता है और अज्ञानी को दोष दर्शन न होने से विषय का भोग जितना करेगा है ना उसकी जो है अग्नि काम रूपी अग्नि और बढ़ेगी घटेगी नहीं बढ़ेगी और इसलिए वृद्धावस्था में ज़्यादा चिंतित होता है फिर इसलिए है ना ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते